हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। और इस टाइम टाइम हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं और आज है 11 तारीख। 3 बज रहे हैं जी, 3 बज रहे हैं। और आज और दोबारा से हो रही है न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आपको दिखाया जाएगा कि आज का खाना कहां पर और कैसे बन रहा है। तो इस टाइम यहाँ पर जो है सात महायज्ञ का खाना बन रहा है, 11 तारीख का जो आज है। और काफ़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं खाना बनाने, खाना को पैक करने, और खाना के जगह जगह स्टॉल भी लगे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है पीठ में लोगों द्वारा। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा धुआं है परे टेंट में, अंदर तक वो लंबा आगे टेंट है। ये एक टेंट साथ में नीचे को भी है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं इस का से खाना पैक हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 30 से 40 हजार लोगों का खाना जो पैक हो रहा है। वो दूर दूर तक। तो हमें मिला था पूरी बनाने का काम, जो कि सभी गांव वाले भी साथ में पूरी बना रहे हैं। तो गाइज इस टाइम सनराइज हो चुका है। इस टाइम सभी गांव के लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सुबह के 7 बजने को आ गए हैं, पर लेकिन पैकिंग का काम अभी चला हुआ है। रात के 12 बजे से कंटिन्यू पैकिंग का काम भी चला है और खाना बनाने का काम भी। ये एक दूसरा पंडाल है जहाँ पे जोरों शोरों से चला हुआ है। ये जो छोले बन रहे हैं, पूरियाँ बन रही है, 8-9 जगह पे पूरियाँ बन रही है। और एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे लोग अपने व्यस्त हैं। जय पैकिंग में सामान इस तरह से पहुँचाया जा रहा है। कहाँ पे कितने, कौन सा स्टॉल है आपका? एक नंबर स्टॉल है आपको? अच्छा जी, एक नंबर स्टॉल पे जा रहा है सामान। कितने गिल्टे चले गए ऐसे ऐसे? हमारी हो गई जी 2500 प्लस हो गई हमारे पैकेट, 2500 पैकेट। 2500 पैकेट हो गए आपके? एग्जैक्ट बताता हूँ जी आपको। अच्छा जी, और साथ में कैलकुलेट भी हो रहा है इनका। 2493 चले गए आपके? अच्छा जी, कितना आइडिया कितना है यहाँ पे? हमारे को 5000 टारगेट पूरा करना है। अच्छा, एक स्टॉल का 5000 का टारगेट है। चलो ये बढ़िया है, अच्छी बात है। सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। कमराऊ स्टोन और चेता यूनिट है ये। अच्छा, चेता यूनिट, चेता कमराऊ स्टोन। अच्छा, चेता कमराऊ स्टोन। अच्छा जी, अच्छा, नंबर एक पर है अभी। एक स्टॉल ये है, इनसे जानना चाहिए कौन सा स्टॉल है भैया आपका? ये 6 नंबर स्टॉल है। कहाँ से आप लोग? आनबोज से आप लोग? अच्छा जी, कितना पैक कर दिया आपने? 500 ऐसा है, 2:30 बजे से रात के 2:30 बजे से बैठे आप? अभी मिला है सब्जी थी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से खाना पैक हो रहा है, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं। गाइज आप देख सकते हैं इस टाइम सभी लोग पार कालावा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्रूड के पास के लिए, जहाँ पे बिजट महाराज जी, शिवगुरु महाराज जी, सभी देवी देवता रुके हुए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इस टाइम रश, आज है 11 तारीख। Thank you.
जय श्री गुरु महाराज, 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 जय हो, जय हो महाराज, जय हो, तेरी शक्ति अपार। भाई जी करने वाला पिछले दरबास जी पहुंच चुके हैं चूड़दार। काफी मेहनत के बाद श्री गुरु महाराज की गुरुट चूड़दार पहुंचे प्रांगण में उनके, और ये मंदिर पे लगे गए अब ऊपर। घंटे से अभी भी गुरु की स्थापना नहीं हो पाई है, टॉप पे तो लग चुके हैं। वैसे यहाँ के जो गुरु थे वो 7 गुरु थे, और उसमें ऐसे अभी 5-6 बचे हुए हैं जिनकी स्थापना होनी है। तो गाइस इस टाइम हो चुका है खाना शुरू, और आधे से ज़्यादा लोग निकल गए हैं घर की ओर। जिस टाइम हो रहा है लिम्बर गान, और ये हमारे देव संस्कृति का मेन पार्ट है, और इसको शांत या बड़े जो देव कार्य होते हैं उस टाइम गाया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस टाइम दिन का 1 बज रहा है, आज है 12 तारीख, और सभी देवी देवता अपने अपने मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से चूड़दार पहुँचे थे सभी देवी देवता। तो आप देख सकते हैं 3 पालियाँ एक साथ जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही है। तो गाइस
आज के इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं ख़त्म, विजिट महाराज जी के जाने के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।